फ्री फायर में कुछ ऐसे फीचर आए हैं जिसको आने के बाद फ्री फायर गेम में काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और खेलने के बाद उस फीचर को यूज करके काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तो क्या है वो फीचर आज के स्टूडियो में जानेंगे, यानी कि फ्री फायर का आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे फीचर बताने वाला हूँ जिसे गेम में आने के बाद बहुत ही ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और काफी ज्यादा गेम खेलने भी लगे और काफी ज्यादा समय भी देते हैं। तो क्या है वो फीचर, चलिए जानते हैं। नंबर फाइव पे जो फीचर है वो है मिनी लॉन्च पैड। मिनी लॉन्च पैड जब आया है, मतलब जब से मिनी लॉन्च पैड गेम में लॉन्च हुआ है उसके बाद लोगों का जोन में जाने का खतरा मतलब टल गया, यानी कि जोन में जो डैमेज होते थे या फिर जोन में ज्यादा बहुत ही ज्यादा डैमेज खा के मर जाते थे वो अब खतरा टल गया। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब जोन में रहते तो उसके पास अगर मिनी लॉन्च पैड होता है ना तो बहुत ही आसानी से, जब जोन में रहता है तो आसानी से सेफ जोन में पहुंच जाता है लॉन्च पैड की मदद से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो इसका इतना ज्यादा फायदा होता है। तो मिनी लॉन्च पैड आने के बाद ये फायदा हुआ है कि जोन में बहुत ही ज्यादा खतरा टल गया है। जोन अगर नजदीक आ भी जाए, हमारे पास लॉन्च पैड हो मिनी लॉन्च पैड, तो उससे लॉन्च करके आसानी से सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ एक और फायदा होता है कि हम किसी ऊंचे जगह पे छुप सकते हैं और कैंपिंग कर सकते हैं। जो लोग भी कैंपर है उसका यहाँ पे फायदा होगा कि यहाँ पे एक जगह से लेकर अच्छे जगह पे हम, जैसे फैक्ट्री में यहाँ चढ़ सकते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग कैंपिंग करते हैं, तो वहां पे हम ये मिनी लॉन्च पैड यूज करके उसको मार सकते हैं। तो ये फायदा हुआ है मिनी लॉन्च पैड का। नंबर फोर फीचर की बात करें तो वो है चिप्स। गन में जो चिप्स होते हैं ना, जब से चिप्स आए हैं ना उसके बाद गेम में जितने भी गन आते हैं, जितने भी बर्मुडा रैंक में हम जब खेलते हैं तो जितना भी गन होता है ना वो हम यूज करने लगे। इससे पहले हम ज्यादातर जो गन यूज करते थे वो AK-47, एक्समेट, ग्रोजा, यही सब लॉन्ग गन में यूज करते थे, या फिर पैराफेल वगैरह यूज करते थे, मतलब इस तरह का गन यूज करते थे, M4A1 हो गया या फिर M60 हो गया, ठीक है, इस तरह का गन हम यूज नहीं करते थे, जैसे MP5 हो गया, इस तरह का गन हम यूज नहीं करते। लेकिन जब से चिप वाला सिस्टम आया ना उसके बाद गेम में हर गेम में चाहे कोई सा भी गन मिले उसे हम अपग्रेड करके बेस्ट गन बना सकते हैं। अगर हमें AK-47 नहीं भी मिला, M14 मिल गया या फिर M4A1 मिल गया, ये सारे गन अगर मिल गया ना तो उसका हम लेवल 3 तक अगर अपग्रेड कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और गेम में हम इजिली जो है बहुत सारे अच्छे बंदे को मार सकते हैं, हेडशॉट मार सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है। तो जब से चिप आया उसके बाद जो गेम में गन जो लूट मिलती ना वो सारे गन लूट की, मतलब कोई सा भी गन मिल जाए उसको अच्छा बेहतर बना के यहाँ पे खेल सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कोई सा भी बंदा पहले अगर अच्छा गन मिल जाता था तो बंदे को मार देते थे, पर ये जब सिस्टम आया उसके बाद कोई सा भी गन मिले उससे हम बंदे को मार सकते हैं, हमें ये पछतावा नहीं हुआ कि हमें अच्छा गन नहीं मिला, ठीक है। तो इससे लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है और लोग उसके बाद से और भी ज्यादा क्लैश रैंक जो है हमारा बर्मुडा रैंक वो ज्यादा खेलने लगे। नंबर थ्री फीचर की बात करें जिसके बाद गेम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है वो है डायनेमिक वॉल्ट इन क्लैश स्क्वाड। क्लैश स्क्वाड में पहले के अपडेट में ऐसा होता था कि जैसे इस बार M187 यहाँ पे वॉल्ट में डालता है ना जो गेम गन हम चूज करते हैं, तो हमें नेक्स्ट अपडेट में वेट करना पड़ता था। मान लो इस बार M187 हटा दिया तो नेक्स्ट अपडेट तक वेट करना पड़ता था और लोगों के डिमांड पे M187 फिर से यहाँ पे वॉल्ट में देखने को मिलता था, या फिर AK-47, AN-94, ऐसा पहले का समय होता था। लेकिन डायनेमिक वॉल्ट आने से ऐसा हो गया कि हमें हर एक अराउंड में या तो फिर हर एक जो गेम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे इस गेम में अगर कुछ और गन मिला तो अगले जब गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ और गन ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि कोई सा भी गन का उस तरह का क्रेज नहीं रहा, हर गन को यूज करना लोग खेले सीख गए, ठीक है, हर गन को यूज करने लगे। पहले ऐसा होता था कि AN-94 से लोग हेड मारते हैं तो उसको जिसको नहीं चलाना आता था उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन इस अपडेट के बाद मतलब जब से ये फीचर आया है डायनेमिक वर्ल्ड का उसके बाद से लोगों हर गन यहाँ पे चलाना सीख गए। किसी का कोई बेस्ट होता है, किसी का कोई बेस्ट होता है और जब भी वो चलाते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं। तो डायनेमिक वर्ल्ड गेम में आना एक बहुत ही अच्छा फीचर है फ्री फायर का, जो कि गन वाला वो जो सिस्टम था कि इस बार इस गन आएगा, इस बार ये गन आएगा क्लैश स्क्वाड में, उसका क्रेजी हटा दिया, सारे गन ला दिया वॉल्ट बना के, डायनेमिक वॉल्ट बना के, जिससे कि हम हर गन को यूज कर सके और अपना फेवरेट बना सके। इसीलिए डायनेमिक वॉल्ट एक बहुत ही अच्छा फीचर में से एक है जो कि क्लैश स्क्वाड में हमें देखने को मिला। नंबर टू पे जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है वेंडिंग मशीन। पहले के समय वेंडिंग मशीन नहीं होता था तो पूरे मैप में हमें खोजना पड़ता था, अगर हमें M2 भी चाहिए या फिर कोई सा भी गन चाहिए या फिर एमओ वगैरह चाहिए, रिपेयर किट चाहिए, तो बहुत ही कम में मैप में मिलता था और नहीं भी मिलता था ऐसा हो जाता था। लेकिन जब से वेंडिंग मशीन आया है उसके बाद यहाँ पे हमें ब्लू जोन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग पहले यहाँ पे ब्लू जोन में उतरते थे लूट के लिए, लेकिन वेंडिंग मशीन आने के बाद वो ब्लू जोन का क्रेज भी खत्म हो गया, क्योंकि वेंडिंग मशीन टोकन की मदद से हर चीज वो खरीद सकते हैं। अगर हमें वेस्ट नहीं मिला तो वेस्ट
कर सकते हैं, वेस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, चीप खरीद सकते हैं और सबसे खास जो है वो रिवाइव वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज हमें खरीदना हो ना तो हर चीज वहां से हम वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं भी हो, बस टोकन रहना चाहिए, तो वेंडिंग मशीन से हम खरीद सकते हैं। और एमओ अगर नहीं है तो एमओ फ्री भी देते हैं। तो वेंडिंग मशीन आना लोगों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, लूट की वो जो क्रेज आता था वो यहाँ पे खत्म हो गया। इजिली यहाँ पे वेंडिंग मशीन उतरने के बाद यहाँ पे कुछ गन वगैरह मिल जाते हैं, एमओ खरीद लेते हैं फ्री में और बंदे को मारते हैं, उसके बाद उससे लूट लेते हैं। तो ये चीज आने के बाद गेम में काफी ज्यादा बदलाव हुआ और वेंडिंग मशीन एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो फ्री फायर में लाया। नंबर वन पे जो सबसे बेस्ट फीचर है यानी कि सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद किए हैं वो है रिवाइवल सिस्टम। फ्री फायर में पहले रिवाइवल सिस्टम नहीं था, तो क्या होता था कि जब भी हम मैप में खेलते थे फुल मैप में तो एक बार मर जाते थे तो पूरा गेम में हमें वेट करना पड़ता था, बस लोगों को देखना पड़ता था। लेकिन जब से रिवाइव वाला सिस्टम आया उसके बाद गेम पूरी तरीके से बदल चुका है, लोग फियरलेस खेलते हैं। पहले के समय डर डर के खेलते थे, कैंपिंग करके खेलते थे और उस समय हीरोइक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि एक बार अगर कोई बंदा मर जाता था दोबारा जिंदा होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन जब से